विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक फिर से नए वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। आप देख रहे हैं मौसम बहुत ख़राब है, बारिश है, बादल बहुत तेज छाए हुए हैं, बहुत हवाएं चल रही थी। मेरी बालकनी में एक कबूतर का घोंसला था जिसमें मैंने सिर्फ दो अंडे रखे हुए देखे थे। मैंने अगले दिन जब सुबह देखा तो कबूतर का जो छोटा सा एक बच्चा था वो पानी में तैर रहा था। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से उसका घोंसला जो था वो बह गया था और बच्चा जो था माँ से दूर पानी में था और माँ जो थी वो भी भीगी हुई थी और असहाय नज़रों से देख रही थी। जाहिर सी बात है कि आप पहले बच्चे को उठाएंगे ना कि वीडियो बनाएंगे। मैंने भी वही किया, इसलिए पानी से भरा हुआ वो बालकनी में आपको नहीं दिखा सकती। कमज़ोर आवाज़ में ही अपनी माँ को बुला रहा है। मैंने सबसे पहले टावल लेके इसको पूछा बहुत हल्के से कि कहीं इसको चोट ना पहुँचे। फिर हल्की सी धूप जैसा कुछ मौसम खुला था तो मैंने इसको वहाँ रखा कि थोड़ा सा इसको अच्छा लगे। बहुत तकलीफ़ होती है जब इन बच्चों को इस तरह से देखो। और मेरी बालकनी में तो अक्सर ये कबूतर के बच्चे आपको दिख ही जाएंगे और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि बड़े होकर ठीक से उड़ के जाएँ। कई बार ये बीमार हो जाते हैं, इनके दाने वाने निकल आते हैं, तो मैं इनको ले जा के इनका इलाज भी करवाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ये हैप्पली अपने जगह में जाएँ और ख़ुशी से अपने लोगों के बीच में जा के रहें। कई बार मैं वीडियो शेयर नहीं करी हूँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को बचाया है। मौसम फिर से गड़बड़ होने लगा है और मैं इसको कोशिश करूँगी कि ये गर्म रहे और माँ का प्यार भी इसको मिलता रहे। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। बारिश दोबारा शुरू, उससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि ये घोंसला जो गीला हो गया है, गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, इस पानी को निकाल दूं। और ये आप देख रहे हैं ना, इसका पानी निकाल दिया गया है, सफाई कर दी गई है और तब तक धूप भी थोड़ी सी आ गई है और ये बच्चे को धूप में रख दिया गया है। थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में एकदम ऐसा कमज़ोर सा, हिल नहीं पा रहा था ठीक से। अब इसके मूवमेंट्स थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा एनर्जी इसको मिली है सनलाइट से। बहुत क्लोजअप मैंने इसका वीडियो लिया है, आप देख पा रहे हैं इसकी आंखें बंद हैं। अच्छी सी नींद की झपकी है। आप लोग देखते रहिए, तब तक मैं इसके घोंसले को और अच्छा बना देती हूँ। थोड़ा सूखी लकड़ियाँ रख के और उसको अच्छे से इसकी माँ के साथ रख देती हूँ। देखिए घोंसला एकदम क्लीन हो गया है, कुछ लकड़ियाँ रख दी गई हैं और बच्चे को वापस कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।